आज का प्रोग्राम षट्ठी एवं नान संस्कार के उपलक्ष्य में रखा गया है। संतों का आगमन और मेरा परम सौभाग्य है आप सबके समक्ष आने का अवसर मिला। राजनांदगांव तो कई बार आना हुआ था, लेकिन इस तरफ पहली बार आना हुआ। नामकरण संस्कार एवं बच्चे को संस्कार, हम जो भी बातें कहेंगे वो बच्चे नहीं जान जाएंगे, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, अबोध है, उसके पास में ग्रहण क्षमता नहीं के बराबर है, लेकिन जानता जरूर है। बच्चा पैदा होता है और जब से देखना और बोलना शुरू करता है, मात्र देखना शुरू करता है, नहीं बोलता है, पर भी बच्चा के अंदर संस्कार इंक्लूड होना शुरू हो जाता है। आप महसूस किए होंगे, जब जब आप घर में वार्ताएं होती है, एक दूसरे में चर्चाएं होती है, एक दूसरे में जब हंसी और मजाक होती है, एक दूसरे के चेहरे में मुस्कान होती है, तो बच्चे भी मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। बच्चे के पास एक ऐसा कैमरा है, ऐसा कैमरा जो कैप्चर करता है अंदर। और आप जब जब घर में लड़ते हैं, घर में टकराहट की आवाज आती है, घर में जब जब महाभारत होता है, बच्चे के चेहरे में विकृति छा जाती है। बच्चे देखते हैं और बच्चे ऐसे देख रहे हैं जैसा कुछ हो गया है। बच्चा नहीं जानता, नहीं, बच्चा सब कुछ जानता है। बस बच्चा उस समय उन बातों को व्यक्त नहीं करता है। बच्चा उस समय उन बातों को व्यक्त नहीं करता है। आज इस घर में उनके नामकरण संस्कार के उपलक्ष्य में आप सब आए हैं, संत गुरुजन आए हैं। ये बच्चा ये भी जानेगा। और यहाँ पर कोई नाच होता, गान पार्टी आता, ऑर्केस्ट्रा आतिशबाजी चलता, बच्चा उसको भी जानता। आज नहीं जानेगा तो 10 साल बाद जानेगा, लेकिन जानता। लेकिन उनके अंदर एक नया छाप पड़ता कि मेरे माता पिता मेरे जन्म उत्सव में किनको बुलाए थे, वो छाप उनके अंदर पड़ती है। और आतिशबाजी होता, नाच नौटंकी होता, वो भी छाप बच्चे के अंदर इंक्लूड होता है। यही नींव है। जब बच्चा पैदा होता है तब वही नींव है। उनको कैसे संस्कारित किया जाए, कैसा शिक्षा दिया जाए कि बच्चे के अंदर एक नए संस्कार हो, ये सिर्फ वेद प्रकाश भाई और यामिनी बहन के लिए नहीं है, यहां बैठे सभी के लिए है कि बच्चे को संस्कार कैसे देना चाहिए। मात्र बच्चे को पैदा कर देने मात्र से कोई मां नहीं बन जाती है। यहां बैठे सब लोग सोच रहे होंगे हम मां हैं, हम पिता हैं, हम दादा हैं, हम दादी है। नहीं, बच्चे पैदा कर देने मात्र से कोई मां और दादी और पिता और पिता और पुत्र, चाचा और चाची नहीं बन जाते हैं। बच्चे को पैदा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है उनको अच्छे संस्कार दे पाना। बहुत बड़ी बात है बच्चे पैदा हो जाने के बाद, मां बन जाने के बाद अपने अंदर मातृत्व भाव पैदा कर पाना, अपने अंदर पितृत्व भाव पैदा कर पाना। क्या हमने भाव पैदा किया है? क्या हमारे अंदर मातृत्व भाव आया है? क्या हमारे अंदर पितृत्व भाव आया है? एक विशाल हृदय आया है? वो चीज नहीं हुआ तो हम बच्चे को अच्छा संस्कार नहीं दे पाएंगे, हम नहीं दे पाएंगे। बच्चे आगे बढ़ते हैं और आप बढ़ाते हैं बच्चे को आगे। जैसे बच्चा पैदा होता है, हर माँ बाप की मन में एक आरजू होती है कि बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे नौकरी करे, अच्छा पैसा कमाए। और आज के 80-90% माँ बाप के मन में आरजू है कि मेरे बच्चे खूब पैसा कमाए। बदौलत आज हमारा विश्व पूरा विकास कर रहा है। आपके पहले बिल्डिंगे 2 मंजिली की थी, मंजिले अब 4 मंजिली 3 मंजिली के बिल्डिंगे बन गई। पहले 2 एकड़ खेत था, अब 4 एकड़ हो गया। पहले आपके यहाँ गाड़ियां नहीं थी, गाड़ियां हो गए। पहले आपके यहाँ शिक्षाएं कम थी, शिक्षाएं बढ़ गई। ये सब चीज का तो विकास हुआ।
लेकिन विकास के साथ साथ ह्रास भी हुआ है, विकास के साथ साथ ह्रास भी हुआ। विज्ञान का देन है, जो बातें आज से हम कई महीनों बाद जानते उन बातों को आज तुरंत पता चलता है। जिन यात्राओं को हम पहले 6 महीना साल भर में करते थे, उन यात्राओं को हम घंटा 2 घंटा में करते हैं। जिस चित्र को हम पहले, विज्ञान का ह्रास क्या है? ये विज्ञान का विकास है। और विज्ञान का ह्रास क्या है? जो चित्र हम पहले आज से 15 साल पहले कभी नहीं देख सकते थे, उन चित्र को वहीं पर बहु, वहीं पर बेटा, वहीं पर पिता, वहीं पर पुत्र, वहीं पर सास, वहीं पर ससुर, सब बैठ करके उन नंगी भद्र चीजों को हम देखते हैं। ये विज्ञान का ह्रास है। हमारे आंखें से शर्मिली चली गई है, आंख की शर्म खत्म हो गई, ये विज्ञान का ह्रास है। विकास तो हुआ, धन का विकास हुआ, परिवार का विकास हुआ, लेकिन आत्मिक विकास होना चाहिए, आत्मसंतोष होना चाहिए। जीने की शैलियां अच्छी होनी चाहिए, वो शैली चौपट होती चली गई। जो मर्यादाएं होनी चाहिए तो मर्यादाएं खत्म होती चली गई। जो शिक्षा प्रणाली होनी थी वो शिक्षा प्रणाली खत्म होती चली गई। कौन सा विकास है ऐसा? क्या विकास? जिस विकास के बाद में मन में एक वेदना, एक पीड़ा, एक दुख, एक एहसास, सब कुछ होते हुए भी हम गरीब बन गए, महल पर महल बनाते चले गए, गाड़ियां पर गाड़ी खरीदते चले गए, पर भी हम गरीब हो गए, क्योंकि अपनों से ही हमको प्यार नहीं मिला। अपने ही बच्चे से हम ठुकराए जा रहे हैं, अपने ही माँ बाप से ठुकराए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा और संस्कार की प्रणाली में कमजोरी की कारण है। ये मैं कहा करता हूं लोगों से, जहां भी जाता हूं, बच्चों को उपहार मत दो चलेगा, लेकिन बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो बच्चे खुद रोएंगे और आपको भी रुलाएंगे, आप कभी जीवन नरक बना डालेंगे। आप बच्चे को क्या संस्कार देते हैं? यहां बैठे सभी लोग सोचते हैं मेरे बच्चे अच्छे पैसा कमाए, अच्छे करे, और मैंने पहले ही कहा इसके बदौलत आपके बच्चे पैसा कमाते हैं। आप पैसा मांगते हैं, बच्चे आपको पैसा देते हैं, लेकिन क्या बच्चे को आपने ये भी सिखलाया कि इंसानियत कैसे होती है? माँ बाप का सम्मान कैसे किया जाता है? पिता पुत्र का सम्मान कैसे किया जाता है? संत गुरुजन अतिथि जनों का सम्मान कैसे किया जाता है? ये चीज भी आपने सिखलाया क्या? जीवन का निर्माण करना भी सिखलाया? पैसा कैसे कमाना है ये तो आपने सिखलाया। गाड़ी कैसे चलाना है आपने ये सिखलाया। मकान कैसे बनाना है ये सिखलाया। नौकरी कैसे करना है ये सिखलाया। क्या आपने ये भी सिखलाया जीवन को कैसे जीना है? शायद ये चीज नहीं सिखला पाए, हम वंचित रह गए। इसलिए आज हमारे बच्चे अपना ही बच्चे कहाँ नहीं मानते हैं, अपना ही बच्चे कहाँ नहीं मानते। हर माँ बाप के मन में एक शिकायत होती है कि मेरे बच्चे कहाँ नहीं मानते, और मैंने अपने जीवन की सारी संपत्ति उनके दांव पर लगा दिया, मैंने एक एक पाई जोड़ा और सब संपत्ति बच्चे के नाम चढ़ा दिया, लेकिन बच्चे मेरा ही कहाँ नहीं मानते। मेरा एक प्रश्न है, क्या आप बच्चे को संपत्ति बस चढ़ा देंगे, उनके नाम में सारी संपत्ति कर देंगे, इतने मात्र से बच्चे आपका कहाँ मान जाए? इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता है। यदि पैसा बस से बच्चे आपके हो जाते, आपका कहा मान जाते, तो शायद जिसे हम बड़े लोग कहते हैं ना, जिसके पास पैसा का अंबार है, वो बहुत सारे बच्चे खरीद करके रख लेते, अपने अंगुल पर ना चाहते, अपने इशारे पर ना चाहते, लेकिन पैसा से कोई किसी का नहीं होता है, ये चीज याद रखेंगे। पैसा मात्र से बच्चे आपके नहीं हो सकते। आप उनको शिक्षा दीजिए, वो पाठ सिखलाइए, पाठ सिखलाइए कि कैसे संस्कारित हुआ जाता है। आप उन बच्चों को कभी अनाथालय में ले जाइए, कभी आश्रमों में ले जाइए, कभी जहां वृद्ध आश्रम है वहां ले जाइए, कभी आश्रमों में ले जाइए जहां खुद का लोग निर्माण करते हैं, जहां सेवा और शुद्धाय और साधना के बारे में बताते हैं, जहां संतों के चरणों में झुकना सिखाइए, संतों के चरणों में जाकर के रहना सिखाइए, जहां से जीवन का निर्माण होता है। पहले हमारे भारत देश में बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, आज करीब करीब गुरुकुल की परंपरा खत्म हो चुकी है। अब गुरुकुल में रहने से बच्चों में प्रभाव पड़ता था, बहुत कुछ प्रभाव पड़ता था, और ये हमारे भारत देश के ऋषि मुनियों की कृपा है जो कि गुरुकुल की परंपरा चला, लेकिन आधुनिकता के चकाचौंध में सब चौपट होता चला गया, सब चौपट होता चला गया। बच्चे को इसलिए अनाथालय में, वृद्धाश्रम में,
आश्रमों में ले जाकर के सेवा शुद्धाय और साधना के बारे में बताइए, जहां संत जन खुद का निर्माण कैसे करते हैं। कुछ लोगों के मन में होता है कि संत बन जाते हैं बस काम करना ना पड़े, इसलिए मैं उन कहने वाले से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे साथ ओनली 4 दिन 3 दिन मेरे साथ रह करके देखे कि काम क्या होता है, और मैं काम नहीं कराऊंगा उनको, काम नहीं कराऊंगा, बस मेरे साथ रहे, बस उनको जितना पैसा चाहिए 10,000 रुपये भी दूंगा, मेरे साथ रहे, पता चल जाएगा कि हकीकत जीवन का क्या है, कैसे जीवन का निर्माण होता है, कैसे संत अपने जीवन को तराश करके संतों अन्य समाज के लिए उपकार करते हैं। वही संतों की कृपा नहीं होती तो आज हम भी एक नाली की कीड़ी की तरह पड़े होते। जैसे एक आदमी शराब पीता है और नाली में लोटता पोड़ता है, शराब की बात आती है तो मैं लोगों से कहा करता हूँ, बच्चे जो शराब पीते हो, शराब बस नहीं पीते हैं, यहाँ बैठे जितने लोग हैं सभी से निवेदन है, जो शराब पीते हैं ओनली शराब बस नहीं पीते हैं, आप ओनली गांजा बस नहीं पीते हैं, ओनली अंडा मांस और मछली बस नहीं खाते हैं, बल्कि जब जब शराब पी करके आप घर में प्रवेश करते हैं ना, तब तब आपके बच्चे की जो उड़ान भरने की क्षमता होती है, उड़ान भरने की क्षमता, मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, आईपीएस आईएएस अफसर बनूंगा, जब जब आप शराब पी करके आते हैं आपके बच्चे की उड़ान भरने की क्षमता होती है ना, वो पंख टूट टूट करके गिरते चले जाते हैं। कैसे होता है, इन नलायकों के बीच में अपने आप में हरास महसूस करते हैं, ऐसे शराबी लोगों के बीच में मैं कैसे अपना विकास कर पाऊंगा। आप शराब बस नहीं पीते हैं बल्कि अपने बच्चों का चपना चकना जो सपना होता है ना, उसको मिट्टी पलीत करके धर देते हैं आप। क्या बच्चे को अच्छा संस्कार दे पाएंगे? बच्चे को लूले और लंगड़े मत बनाइए। आप सभी से निवेदन है, बच्चे को लूले और लंगड़े मत बनाइए। लूले और लंगड़े मतलब उनको सिर्फ भगवान के भरोसे पर मत बैठाइए। आप कहेंगे भगवान का खंडन, मैं भगवान का खंडन नहीं करता हूं, भगवान है, आदरणीय है, लेकिन मात्र उनको पूजा और पाठ के बल पर मत बिठाइए। उनको कहिए कर्म करो, भगवान की पूजा भी करो, लेकिन कर्म कर्म मुख्य है। यदि कर्म सही नहीं हो तो हम लाख भगवान की पूजा कर ले, हमारा कोई साथ देने वाला ये नहीं है। हमारे भारतीय परंपरा में दो महाउपन्यास है, एक रामायण और एक महाभारत। रामायण में राजा दशरथ के 4 योग्य पुत्र थे, चारों पुत्र में कोई योग्यता की कमी नहीं थी, किसी पुत्र में कोई भी योग्यता की कमी नहीं थी, लेकिन राजा दशरथ तड़प तड़प करके मर गए, लेकिन उनके साथ एक भी पुत्र काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि कर्म ही खराब है तो कौन क्या करेगा, कर्म ही खराब है तो कौन क्या करेगा। इसलिए आप कर्मों पर जोर दीजिए, कर्म अच्छा है तो हमारा जीवन अच्छा होगा, कर्म अच्छा नहीं रहेगा तो हम जितना भी बैंक बैलेंस करेंगे वो भी काम नहीं आएगा। आपका बैंक बैलेंस सबसे मुख्य बैलेंस क्या है? यदि आपने अपने जीवन की बहुत सारे बेशकीमती लम्हों को पैसा कमाने में लगाया और पैसा इकट्ठा करके बैंक बैलेंस बस किया, और जो बैलेंस करना चाहिए वो बैंक बैलेंस तो किया, लेकिन जो मुख्य सेविंग अकाउंट होना चाहिए वो नहीं कर पाए, तो आपका बैंक बैलेंस धरा का धरा रह जाएगा, आपके साथ नहीं आएगा। कौन सा है आपका मुख्य सेविंग अकाउंट? मैं लोगों से कहा करता हूँ, आपका मुख्य सेविंग अकाउंट आपके बच्चे हैं। आपने बैंक में पैसा जमा नहीं किया और आपके पास एक विषम परिस्थिति आ गई और बच्चे के अंदर एक ऐसा सेविंग अकाउंट, ऐसा संस्कार इंक्लूड किया है, बच्चे कहीं से भी पैसा ला करके आपकी व्यवस्था करेगा, आपकी व्यवस्था करेगा, और मात्र पैसे जमा करते गए और बच्चे को सही संस्कार नहीं दिए तो बच्चे उस पैसों को उड़ा डालेंगे, बच्चे उस पैसा को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए संस्कार के लिए मुख्य जरूरत है बच्चे को सही संस्कारित करना। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, दिल्ली में एक लड़का इंडिया गेट के पास गया और इंडिया गेट के पास गया, कुछ लोगों के साथ कुछ छेड़खानी का मामला केस दर्जा हुआ और घर आ गया। जैसे घर में प्रवेश करता है, रात्रि में सोता है, सुबह उनके यहाँ ठीक 8 बजे पुलिस आई, और पुलिस आई और उनके गृह घर में प्रवेश करती है, पुलिस प्रवेश करती है, वहीं उनका पिता खड़ा था। उनको पूछते हैं, क्या इस बच्चे को आप पहचानते हैं? उनका फोटो था, कहते हैं हाँ ये मेरा बच्चा है।
उनके पिता को पुलिस कहते हैं कि ये बच्चा इंडिया गेट के पास कुछ बच्चों के साथ छेड़खानी का काम किया है, इसलिए हम उनको लॉकअप में लेने के लिए आए हैं। उनका पिता अंदर जाता है और अपना पुत्र से पूछता है, एक संस्कारवान बच्चे के पुत्र भी कभी कभी गलत निकल जाते हैं, कभी कभी गलत निकल जाते हैं, लेकिन माता पिता को उसको दुख नहीं होता है। यदि आपने अपना कर्म किया है तो दुख नहीं होगा, मैंने तो जो करना चाहिए था सो कर लिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, बच्चे का काम है। पिता अंदर जाता है, पुत्र से पूछता है, क्या तुम इंडिया गेट के पास गए थे, कुछ किए हो? बच्चे शर्म से चेहरा नीचे करता है, कुछ बोल नहीं पाता है। उनका पिता बाहर आता है और कहते हैं, हाँ मेरा बच्चा है, तुम ले जा सकते हो। उनके बच्चे को ले गए, लेकिन ले जाते समय उनके पिता ने एक पुलिस को बुलाया, बच्चे आगे बढ़ गए दो पुलिस के साथ, और उनके पिता ने एक पुलिस को बुलाया और उस पुलिस के हाथ में 5,000 रुपया दिया। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों? छुड़ाने के लिए, है ना? नहीं, छुड़ाने के लिए नहीं। उस पुलिस को पैसा देता है और कहता है, इस बच्चे को ऐसा सीख देना, ऐसे मरम्मत करना, ताकि दोबारा उनका हाथ पैर आगे ना बढ़े, गलत कर्मों के लिए उनका विचार ही ना जाए, ऐसा इनको सीख देना। वो 5,000 रुपया देते हैं और हम आप लोग होते तो उसमें 10 और लगा देते, कहते हैं, भैया 50,000 रुपया तुम ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। जिम्मेदारी आपकी है, आप चाहे अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, आपके अंदर वो शक्ति है, वो क्षमता है। या हम जब अपने बारे में सोचते हैं तो अद्भुत सा लगता है, हम आपस में पति और पत्नी आपस में रहते हैं, पिता और पुत्र आपस में रहते हैं, सास और बहू आपस में रहते हैं, एक दूसरे को पति पत्नी 70 साल 80 साल हो जाता है, नहीं समझ पाते हैं, 70 साल 80 साल की अवस्था में भी लड़ते और झगड़ते जीवन को काट डालते हैं, जीवन खत्म कर देते हैं 70-80 साल तक, एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं। जीवन को कैसे समझ पाएंगे, बच्चे को कैसे संस्कार दे पाएंगे? बहुत बेशकीमती जीवन है और इस बेशकीमती जीवन को हम गलत ओर ले जा करके अपना जीवन को बर्बाद मत करें। आज अवसर मिला है, आज ये सुंदर अवसर मिला है, आज अपने माँ बाप है, माता पिता है, दादी दादा है, उनकी सेवा कर ले। कल ये अवसर नहीं मिल सकता है। बहुत से लोग होते हैं जिनके माता पिता नहीं, तरसते हैं माँ बाप के लिए, और बहुत से लोग हैं जो माता पिता के रहते हुए माँ बाप का सम्मान नहीं कर पाते हैं। जो लोग माँ बाप का सम्मान नहीं कर पाते हैं, उन सभी से निवेदन है कि आपकी भी स्थिति वो दिन आने वाली है जब 70 साल 80 साल की अवस्था होती है, शरीर जर्जरता की अवस्था होती है, तो जर्जरता की अवस्था में माँ बाप के मन में आपसे एक आरजू होती है कि मेरे बच्चे मेरे पास आकर के बैठे, मेरे से प्यार से बात करे। आप उनको गड्डी ला करके देंगे ना तो माँ बाप को पैसा नहीं चाहिए, उस समय माँ बाप को टाकी देखने का मन नहीं होगा, माँ बाप को दुनिया घूमने का मन नहीं होगा उस समय। बस माता पिता के मन में एक आरजू होती है कि मेरे बच्चे मेरे से आए और प्यार से बात करें। आप नौकरी से आते हैं, खेत से आते हैं, खलिहान से आते हैं, 2 मिनट बैठ जाइए, अपने माता पिता से प्यार से बात कर लीजिए, कितना उनके मन में एक आह होती है, वो आह मिट जाती है। जब आपका प्यार मिलता है, जब कभी कभी त्योहारों में आप जैसे ही त्योहार आता है, गणेश पक्ष है, गणेश चतुर्थी में है, दुर्गा पक्ष में, जितना श्रद्धा और भाव के साथ आप गणेश पक्ष में, गणेश चतुर्थी में और नवरात्रि के समय जो पूजा करते हैं, आप सभी से निवेदन करता हूं कि वही श्रद्धा और वही भाव के साथ कभी कभी माँ बाप का भी पूजा कर लिया करें, कभी कभी माँ बाप की पूजा कर लिया करें। आप कम से कम साल में 1-2 बार उस भगवान की पूजा करते हैं, कम से कम साल में 4-6 बार उस माता पिता की पूजा कर लिया करें, उनके कम से कम गले में हार चढ़ा दिया करें। उनको हार चढ़ाना उनके जीने का एक आरजू, उनके जीने का एक सहारा मिलता है। आप अपने ही जीवन को संवारना चाहते हैं तो यही जीवन को संवारने का तरीका है, यही जीवन को संवारने का तरीका है। बुढ़ापे में माँ बाप को और कुछ नहीं चाहिए, बुढ़ापे में माँ बाप को बस बेटा का सहारा चाहिए, बहू का सहारा चाहिए। जब जर्जरता की अवस्था होती है, जब शरीर जवाब दे देता है, शरीर से चला नहीं जाता है, उस समय बाहर जाने की तमन्ना नहीं होती है, बस प्रेम से और मुस्कुरा करके जीने की इच्छा होती है। और कभी कभी आप साल में माँ बाप की
माँ बाप को हार चढ़ा लेते हैं, उनकी आरती उतार लिया करते हैं, तो उनको जीने का एक सहारा मिल जाता है, जीने का एक सहारा मिल जाता है। उनके तनाव भरी जिंदगी में उनके चेहरे में मुस्कान आ जाता है। क्या आप चाहते हैं आपके बुढ़ापे में ऐसा आपके साथ हो? यदि आप चाहते हैं आपके बुढ़ापे में ऐसा हो तो आज से करना शुरू कर दीजिए, आज से करना शुरू कर दीजिए। आप जितना ही श्रद्धा और भाव के साथ भगवान की पूजा करते हैं, मैं निवेदन करता हूं कि असली भगवान की भी पूजा करना सीखिए आप। आप जिस पूजा करते हैं नकली तो नहीं, लेकिन मैं ओरिजिनल माँ बाप को मानता हूं, संत गुरुजन को मानता हूं मैं। आपके पास एक ऐसी विषम परिस्थिति आ गई, उस परिस्थिति में कौन सा भगवान काम आएंगे? मैं आप सबसे निवेदन पूछ रहा हूं, एक प्रश्न है मेरा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जिस भगवान को मानते हैं उसको मत मानिए, ये नहीं कह रहा हूं मैं। पहले उस भगवान को मानिए जिन्होंने हमको इस दुनिया में लाया है, जिन्होंने अपने कोख में, नौ महाकोख में रखा, अपने खुद गीले में सोई और हमको सूखे में सुलाया, जो अपने जीवन का एक एक पाई जोड़ जोड़ करके हमारे लिए कुर्बान कर दिया, जो अपना खुद साइकिल में चल करके हमारे लिए मोटरसाइकिल कार देते हैं, क्या उस माँ बाप को हम घर में सम्मान दे पाते हैं? क्या उस माँ बाप को हम घर में परिवार में इज्जत दे पाते हैं? फिर उस भगवान की पूजा आपकी व्यर्थ है, फिर आपकी सारी पूजा बेकार चली गई। यदि असली भगवान को आपने पूजा नहीं किया तो सारी पूजा बेकार चली गई आपकी। इसलिए असली पूजा माँ बाप की है। आपके गांव गांव में मंदिर होंगे और शायद उतने इस गांव में हॉस्पिटल नहीं होंगे जितना मंदिर होंगे आपके गाँव में। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, एक मंदिर आप भगवान को एक कोने में मत बिठाइए, आप भगवान को एक कोने में मत बिठाइए, भगवान सर्वत्र होना चाहिए और आपका घर पूरा मंदिर बनना चाहिए और आपके घर में रहने वाले सारे सदस्य देवी देवता होना चाहिए। जो बोलता है, जो खाता है, जो पीता है, जो चलता है, जो हमारी विषम परिस्थितियों में हमारे साथ देता है, जो हमारे सहयोगी का कारण बनता है। अभी हमारे भारत देश का पूरा विश्व में कोरोना महामारी का एक प्रकोप आया था, कौन सा भगवान बचाने के लिए आए थे आपसे प्रश्न है? वही भगवान जो बोलता चलता है, वही भगवान जो अपने जीवन का कुर्बान दे करके, बड़े बड़े डॉक्टर ने कुर्बानी दे दी और मौत के घाट उतारे गए, वो बच नहीं पाए। डॉक्टर जानते थे कि हमारी मौत हो सकती है, पर भी उन डॉक्टरों ने अपना समय दिया, अपना शरीर दिया और अपना बलिदान दे दिया समाज की सेवा में। यदि असली भगवान को उन लोगों ने जाना है, असली भगवान को उन्होंने जाना है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि बच्चे को अच्छा संस्कार देना चाहते हैं तो आप खुद आगे बढ़िए, खुद आगे बढ़िए। आपस में प्रेम, प्रेम ही एक ऐसा माध्यम है जो कि माँ बाप का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, सास बहू का प्रेम घर का माहौल बनाता है, घर का माहौल बनाता है। पैसा ही जिंदगी नहीं है। अभी करीब करीब 15 दिन पहले एक जगह बैठे थे तो एक बच्चे से प्रश्न किया गया, तुम ये बताओ कि तुमको क्या मिल जाए कि तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाए? तो उन्होंने कहा, मुझे खूब पैसा मिल जाए तो मेरा जीवन खुशहाल हो जाएगा, उन्होंने यही कहा। फिर उनको ये कहा गया, चलो तुम ठीक है, तुमको पैसा मिल जाए तो खुशहाल हो जाओगे, पुनः कहते हैं हाँ। फिर उस बच्चे को कहा गया, तुमको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और वहां जितना पैसा चाहिए पैसे के गड्ढे में तुमको सुला दिया जाएगा, तुमको किसी से मिलना है ना जुलना है, ना किसी से ना बात करना है, ना किसी से व्यवहार करना है, जो कुछ चाहिए खाना पीना जो कुछ चाहिए आपको मिलेगा, पैसा फुल रहेगा, क्या तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा? पैसा ही जिंदगी नहीं है, पैसा ही जिंदगी नहीं है। पैसा से सुविधाएं खरीदे जा सकती है, पैसा से मकान बनाया जा सकता है, पैसा से सुख को नहीं खरीद सकते आत्मीय बंधुओं, पैसा से सुख नहीं मिलता है। अगर पैसा से सुख मिलता तो जिसे हम बड़े बड़े लोग कहते हैं ना, वो पैसा को सुख को पैसा को पैसा के बल में सुख को खरीद कर अपने कोठरियों में भर दिए होते। पैसा से सुख नहीं, सुविधाएं मिलती है। आप करीब करीब 1 करोड़ रुपया ले लीजिए और दिल्ली के बड़े से बड़े दिल्ली शहर में चले जाइए और प्रत्येक दुकानदार से पूछिए कि आप मुझे 1 तोला सुख दे दो। जितने दुकान में जाएंगे कहेंगे, कहीं आदमी पागल तो नहीं हो गया है? पैसा को खरीदना, सुख को पैसा से खरीदना चाहता है, इसका मतलब पैसा का विरोध नहीं है। पैसा आप कमाइए, खूब पैसा कमाइए, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका जीवन है।
आप हैं तब पैसे का महत्व है, आप हैं तब गाड़ी का महत्व है, आप हैं तब मकान का महत्व है, आप हैं तब परिवार का महत्व है, और आप नहीं तो सारी चीज का महत्व नहीं है। क्या हमारे जीवन निर्माण के लिए हमने समय दिया है? पैसा कमाने के लिए हमने समय दिया, गाड़ी बनाने के लिए समय दिया, गाड़ी खरीदने के लिए समय दिया, मकान बनाने के लिए समय दिया, जमीन खरीदने के लिए समय दिया, पढ़ाई और लिखाई के लिए समय दिया, क्या जीवन के लिए भी समय दिया है? आप कहेंगे यही तो जीवन है। मैं कहता हूं इसको जीवन नहीं कहूंगा मैं। क्या मकान अच्छा बनाने से जीवन अच्छा बन जाएगा? क्या कपड़े अच्छे पहनने से जीवन अच्छा बन जाएगा? क्या अच्छे गाड़ी खरीदने से जीवन बन जाएगा? इससे जीवन नहीं बनता है, इसे मकान बनता है। गाड़ी खरीदने से गाड़ी खरीदी जाती है, जीवन बनता है। जीवन का निर्माण होता है आंतरिक विचारों की परिवर्तन से। क्या विचार को हमने बदला है? जो द्वेष का भाव था द्वेष के भाव को हटाया है, क्रोध का भाव था उस क्रोध को भाव को गलाया है, वैर का भाव था वैर के भाव को हटाया है, घृणा का भाव था घृणा के भाव को हटा पाए हैं? नहीं कर पाए तो कौन सी साधना की है हमने? कौन सा जीवन का निर्माण किया है? समय और शक्ति सबको बराबर मिला है। आप अपने वही समय में किसी को थप्पड़ भी मार सकते हैं, और उतना ही समय में आप किसी का सहयोग भी कर सकते हैं। समय उतना ही लगता है, उतने ही समय में आप किसी को गाली दे सकते हैं, और उतना ही समय में आप किसी की प्रशंसा कर सकते हैं। दोनों में समय उतना लगता है, लेकिन परिणाम जस्ट विपरीत आता है। आप उतना ही समय में किसी को गाली दिया तो उसका परिणाम इतना खतरनाक आएगा कि उसका परिणाम आपको संभालने की स्थिति में नहीं होगी, वैर बढ़ता चला जाएगा, दरारें पैदा होती चली जाएगी। और उतना ही समय में आपने किसी की प्रशंसा कर दी, आपके जीवन में रस घोल दिया जाएगा। समय वही लगा, शक्ति वही लगी। उतने ही शब्दों में आपने किसी का प्रशंसा किया, उतने ही शब्दों में आपने किसी का निंदा किया, परिणाम बदल जाते हैं, एकदम परिणाम बदल जाते हैं। वैसे ही जीवन के साथ होता है, वैसे ही जीवन के साथ होता है। आपस में सास बहू में प्रेम, ये बात कहता हूं तो लोग बात याद आती है। एक बार की घटना है, सास और बहू आपस में रहते थे और सास बहू में रोज लड़ाइयां होती थी। लड़ाई के दौरान अंतिम परिणाम ये आता था कि रोज उसकी बहू उसकी सासू माँ रोते रोते रोज कमरे में जाती थी। परिणाम ये आता था। कारण क्या था? उसकी बहू तेज तर्रार, कोई तेज तर्रार बहू हो तो सावधान हो जाना, आपके भी नंबर आने वाले हैं। उनकी बहू तेज तर्रार। एक दिन ऐसी और लड़ाई हुई, लड़ाई के दौरान परिणाम ये होता है कि उसके पीछे पीछे बहू अपने कमरे में चली गई और उसकी सासू माँ रोते रोते कमरे में जा रही है, जा करके कमरे में बैठी है और रो रही है। उसके पीछे पीछे उसका पोता जाता है, 5 साल का पोता जाता है और अपने दादी माँ का पल्लू उठाता है, और दादी माँ का पल्लू उठा करके उनका आंसू पोछता है। आंसू पोछते हुए बोलता है, दादी माँ तुम रो मत, मेरी माँ बहुत दुष्टा है, जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा और मेरी भी शादी हो जाएगी तो मैं अपने पत्नी को कहूंगा तुम अपनी सासू माँ की कभी सेवा मत करना, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ रोज अपने सासू माँ से लड़ाई किया करती थी। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? कभी आपके जीवन में कड़वाहट आ गया, कभी आपके जीवन में आपके सासू माँ ने 2 शब्द कह दिए, क्या इतना अधिकार नहीं है आपकी सासू माँ का, आपके ससुर जी का, कि आपको 2 कड़वे शब्द बोल सके? क्या इतना अधिकार नहीं है? उन्हें अपने जीवन की सारी संपत्ति आपके लिए दांव में लगाया, उन्होंने अपना सुख दुख आपके लिए छोड़ा। आपके आने से सोचा था कि इस घर में एक नया स्वर्ग आ जाएगा, आपके आने से सोचे थे इस घर का माहौल बदल जाएगा। क्या आप उस घर में वो माहौल तैयार कर पाए हैं? और माताओं से निवेदन है, बूढ़ी माँ से निवेदन है कि आप लोग यदि जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं ना, कम बोलना शुरू करिए, कम बोलो। बड़बड़ बड़बड़ बोलने से जीवन नरक बन जाता है। आपकी बहू आपको भोजन देगी, भोजन कर लीजिए, कभी नमक नहीं है तब भी मत बोलिए, कभी नमक ज्यादा है तब भी मत बोलिए, ये जीवन का सूत्र है। हमारे भारत देश में जितने भी कोर्ट में केस चल रहे हैं उसमें से 80% लड़ाइयां किसकी लड़ाई है? बात की लड़ाई है।
80% लड़ाइयां हमारे भारत देश में कोर्टा में चल रहा है वो बात की लड़ाई है। उसने इसने को इसको कहा, उसने इसको कहा, उसने इसको कहा, भाई भाई में लड़ाई, पिता पुत्र में लड़ाई, ये सारे लड़ाइयां होती है, बात की लड़ाई होती है। आप अपने जीवन को लड़ाई करके नरक मत बनाइए। आपस में प्रेम, आप सास और बहू में ऐसा प्रेम, मैं सास और बहू पर ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्ची को संस्कार वहीं से शुरू होता है। सबसे प्रथम पाठशाला बच्चे का माँ बाप है, सबसे प्रथम पाठशाला माँ के कोख से बच्चा। अच्छा एक चीज और याद आती है, बच्चे को संस्कार कब से देना चाहिए? उत्तरदाता ने कहा बच्चे को संस्कार बच्चे के 20 साल पहले देना शुरू कर देना चाहिए। बच्चे के जन्म के 20 साल पहले बच्चे को संस्कार देना शुरू कर देना चाहिए। इसका मतलब क्या है? हम जैसा बच्चे चाहते हैं उन बच्चे के माँ होने वाली माँ को, होने वाली माँ को 20 साल पहले ही वो शिक्षा और संस्कार उस पिता और माँ को देना शुरू कर दीजिए। पिता और माँ को मतलब अपने बेटी और बेटा को जन्म होते ही वो संस्कार देना शुरू कर दीजिए। निश्चित ही आपके बच्चे संस्कारवान होंगे, संस्कारवान होंगे। बच्चे को लूले और पंगे मत बनाइए। एक शब्द और कहा था मैं, लूले और पंगे मतलब भगवान की पूजा अलग चीज है लेकिन भगवान कर भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है ये बात कभी नहीं करना चाहिए, झूठ बात है। मैं क्षमा चाहता हूं कड़वा के लिए लेकिन मैं सत्य चीज कहने में मुझे हिचक नहीं लगती है। हमारे जितने महापुरुष हैं, भगवान बुद्ध है, राम है, कृष्ण है, सदगुरु कबीर है, ईसा है, मोहम्मद है, दादू साहब है, नाना साहब है, धर्म साहब है, सब महापुरुष आदरणीय है और सभी के महापुरुषों की पुस्तकों से आप देखेंगे, हमारे गुरुदेव जी सदगुरु से अभिलाष साहब जी हुए हैं, उन्हें उन्हें करीब करीब 150 पुस्तकें लिखी और सारे महापुरुषों पर, भारतीय परंपरा के जितने महापुरुष हैं उस पर और विदेशी परंपरा के लाओ त्से, कन्फ्यूशियस, इन महापुरुषों पर करीब करीब 150 पुस्तकें लिखी और सभी महापुरुषों पर उन्होंने लिखा है, सभी महापुरुषों पर लिखा है। इसलिए क्योंकि सभी महापुरुष आदरणीय हैं, सभी महापुरुष, अभी महंत जी कह ही रहे थे कि कबीर ही बीजक ही श्रेष्ठ नहीं, सभी श्रेष्ठ है। मैं कहता हूं एक बच्चा कहे वो भी श्रेष्ठ है और एक बूढ़ा कहे वो भी श्रेष्ठ है, जब दो और दो चार कोई भी कहते हैं तो सही है। और चाहे व्यास गादी में बैठ करके हो, चाहे किसी गुरु हो, चाहे कोई भी हो, दो और दो पांच कहेंगे तो गलत है, अन्यथा गलत ही होगा। भागवत होता है उसमें कह लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के उतने इतने पत्नियां, इतने बच्चे, एक घंटा खीर बनाया गया, हजारों लोगों को पूरा और बच भी गया, बोल भगवान श्री नारायण चंद्र की जय। ये क्या नाटक है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए भगवान को लूले और कमजोर मत बनाइए, सही सही कारण कार्य व्यवस्था ऐसे ही महापुरुषों पर हुआ है। महापुरुषों को अलौकिक और चमत्कार बता करके महापुरुषों को कमजोर बनाया गया है। महापुरुष कमजोर नहीं हुआ है उसे, महापुरुष कमजोर नहीं होते, हमारा सिद्धांत कमजोर होता है। जब जब हम किसी महापुरुष को अलौकिक और चमत्कार बताते हैं तब तब हमारा सिद्धांत कमजोर होता चला जाता है क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। उस बात को कोई कह लगा करके अपना सिद्धांत कमजोर मत करें, अपना सिद्धांत को कभी कमजोर नहीं करना चाहिए। दो और दो मैं पांच कहूं और चाहे कितने भी बड़े महापुरुष हो, वो दो और दो पांच कह करके अपने गणित का कैलकुलेशन को खराब मत करें। वैसे ही किसी महापुरुष को अलौकिक और चमत्कार बता करके अपना सिद्धांत का चौपट मत करें, अपने सिद्धांत को। ये सभी महापुरुषों का आदेश है। एक माँ रोज भगवान की पूजा करती थी, रोज भगवान की पूजा करती थी, उनका छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा देखता था कि माँ रोज भगवान की पूजा करती है, रोज भगवान की पूजा करती है। एक दिन माँ से पूछ पड़ा वो बच्चा, माँ ये कौन है, आप क्यों पूजा करते हैं? माँ बोलती है बेटा ये भगवान है, भगवान की पूजा करता हूँ तो मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और भगवान से जो मांगो सो मिल जाता है। बच्चा पूछता है फिर से, आप बच्चे एक प्रश्न करेंगे और उसको उत्तर देंगे, दूसरा प्रश्न खड़ा रहता है बच्चे के पास। बच्चा पूछता है सच में माँ भगवान से जो मांगो वो मिल जाता है, जो चाहो वो हो जाता है? माँ फिर से बोलती है हाँ बेटा भगवान से जो मांगो वो मिलता है, जो चाहो हो जाता है। माँ बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक दिन होता क्या है कि बच्चा स्कूल गया और स्कूल से आया, उनका एक एग्जाम था, एक पेपर था, पेपर उसमें एक क्वेश्चन आया था कि हमारे भारत की राजधानी कहाँ है। तो उन्होंने भारत की राजधानी
जो डालना चाहिए था वो नहीं डाला और भारत की राजधानी उन्होंने रायपुर डाल दिया। जैसे क्वेश्चन साल से बाहर निकलता है, एग्जाम हाल से बाहर निकलने के बाद पता चलता है कि भारत की राजधानी तो दिल्ली है, मैंने गलत उत्तर लिखा है। वो दौड़ करके आता है और दौड़ करके आकर के अपने पुस्तकें अपने कमरे में रखता है और भगवान के कक्ष में जाकर के भगवान से प्रार्थना शुरू कर देता है, हे भगवान आज मेरा एग्जाम हाल में एक एग्जाम था उसका उत्तर मैंने गलत डाल दिया है, उस वाक्य को पलट कर देना, पलट करके सही लिख देना। इतने में माँ आती है और माँ पूछती है, बेटा तुम रोज आते थे और आ करके मेरे पास भोजन के लिए भोजन मांगते थे, आज क्या बात है कि तुम भगवान के पास बैठे हो? इतना में माँ फिर बच्चा फिर से पूछता है, माँ भगवान से जो कहो जो मांगो मिल जाता है ना? माँ फिर से बोलती है, हाँ बेटा जो मांगो भगवान से वो मिल जाता है। इतना में बच्चा बोलता है, माँ आज मेरे प्रश्न आया था कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो मैंने रायपुर डाल दिया है, भगवान से अर्जु कर रहा हूँ कि भगवान की राजधानी रायपुर है और लिखा है उसको मेट करके दिल्ली कर दी, हो जाएगा ना माँ? माँ बोलती है, बेटा संभव नहीं है, आप बच्चे को गलत उत्तर मत दीजिए। आप जिस भगवान की पूजा करते हैं भगवान की चित्र से उनके चरित्र तक पहुंचिए। सिर्फ पूजा और पाठ के बल पर जीवन नहीं बदल सकता है, इस चीज को आप याद रखिए। पूजा और पाठ के बल पर यदि जीवन को बदलना चाहते हैं तो संभव ही नहीं है। पूजा और पाठ एक आधार है हमारा, पूजा और पाठ एक सीढ़ी है हमारा आगे बढ़ने के लिए, और हम चाहे पूजा और पाठ से सब कुछ हो जाए, नहीं, आपको कर्म करना होगा, कर्म करना होगा। जब ध्यान और साधना की बात आती है, जब अध्यात्म की बात आती है, तो सारे लोगों का एक ही उत्तर होता है, वही है वही जो राम रची राखा। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जब होगा वही जो भगवान की कृपा होगी तो आप खेत में जाकर के हल क्यों चलाते हैं, वो तो भगवान की कृपा होगा, होगा अनाज होना होगा, तो आप कर्मों पर जोर दीजिए। लेकिन जब गोस्वामी जी सही बात में आते हैं तो कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व क्रियाखा जो जस करे सो तस फल चाखा। जब गोस्वामी जी सही बात कहते हैं तो सदगुरु कबीर की तरह बोलना शुरू कर देते हैं वो। कर्म प्रधान है, कर्म का जैसे जैसे हम कर्म करेंगे वैसे वैसे हमको परिणाम मिलेगा। यदि कोई आदमी भगवान का पूजा करता हो या ना करता हो, कोई सदगुरु कबीर को मानता हो या ना मानता हो, कोई भी आदमी आग में हाथ डाले तो आग हाथ जलाएगी बचाएगी नहीं, वो ये नहीं सोचेगी कि ये पूजा करता है ये पूजा नहीं करता है, ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है, पूजा करो या मत करो हाथ आपकी जलाएगी, ये आग का नियम है। इसलिए आप कर्म सही करिए और पूजा जिसकी करना है करिए, लेकिन पूजा के साथ साथ चित्र के साथ साथ उसके चरित्र तक पहुंचिए, चरित्र तक पहुंचिए। चरित्र की पूजा होती है, चित्र की पूजा नहीं होती है, याद रखेंगे। आपका सुंदर स्वभाव आपका सुंदर बनाता है। कोई आदमी कहते हैं लोग कि वो आदमी बहुत सुंदर दिखते हैं, कोई कहते हैं कि वो आदमी बहुत सुंदर दिख रहे हैं, क्यों अच्छे दिख रहे हैं? गहने पहने इसलिए सुंदर दिख रहे हैं, कपड़े पहने इसलिए सुंदर दिख रहे हैं, कपड़े दूसरे कपड़े पहले सुंदरता खत्म, मतलब वो कपड़े की सुंदरता थी आपकी सुंदरता नहीं है। जब आप गहने पहनते हैं तो गहने से अच्छा दिखते हैं, वो गहने की सुंदरता है, गहना उतार दो आपकी सुंदरता खत्म, मतलब वो गहने की सुंदरता है आपकी सुंदरता नहीं है वो। जब आप सरपंच बन जाते हैं तो लोग नमस्कार करते हैं, आपको नमस्कार नहीं करते हैं, सरपंच पद को नमस्कार करते हैं, सरपंच पद को नमस्कार करते हैं। इसलिए पूजा चरित्र की होती है। और आप सुंदर किससे दिखते हैं? यदि आपका स्वभाव सुंदर है, आप सिंपल कपड़ा पहने हो, 100 रुपए की ही कपड़े पहने हो और सुंदर स्वभाव है, तो आप सबको नमस्कार करेंगे। एक आदमी 100 करोड़ रुपए की गहने पहना हो और जीवन का आचरण छिछलापन हो, जीवन का आचरण अच्छा ना हो, तो आदमी उसको देखेंगे तो उनके आंखें चुभेगी। 100 करोड़ की गहने पहने हैं, उसको कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंखों से देखेगा बस। लेकिन एक आदमी 100 करोड़ क्या मात्र 100 रुपए की कपड़ा पहना हो और 100 रुपए के कपड़ा पहना हो, लंगोटी वेश धारण किया हो, श्वेत वस्त्र धारण किया हो, सन्यासी वस्त्र धारण किया हो, या सिंपल पैजामा में, बंगाली पैजामा में हो, और आचरण अच्छा हो, स्वभाव सुंदर हो, तो लोग उसको सब नमस्कार करते हैं, सबके दिल को छूता है वो।
आपके परिवार में बहुत से सदस्य होंगे, 10, 5, 15, 20 जो भी सदस्य होंगे, लेकिन सभी परिवार के सभी सदस्यों में आपको उन परिवार के सभी सदस्यों में एक सदस्य बहुत पसंद आते हैं। क्यों पसंद आते हैं? वो आपका पिता नहीं है, आपका चाचा है, पर भी पसंद आ रहा है। आपका चाचा नहीं है, आपके बच्चे हैं, पर भी वो पसंद आ रहा है। क्योंकि उसके अंदर एक विशेष गुण है। विशेष गुण क्या? हमने वो विशेष गुण को इकट्ठा किया है। उनके अंदर प्रेम है, उनके अंदर दया है, उनके अंदर क्षमा है, उनके अंदर मीठी वाणी है, उनके अंदर जीने की शैली अलग है। जो आदमी सही ढंग से जीने शुरू कर देते हैं, जो आत्मचिंतन करते हैं, जो जीवन के रहस्यों को समझ जाते हैं, उनका जीने का अंदाज बदल जाता है, उनके बोलने का अंदाज बदल जाते हैं, उनके चलने का अंदाज बदल जाते हैं। वो लड़ाई और वैर और झगड़ा में करके अपना समय और शक्ति को बर्बाद नहीं करते हैं। एक दूसरे से लड़ करके, पत्नी से, बच्चे से, सास से, बहू से, परिवार से, पड़ोसी से लड़ करके अपना बेशकीमती समय को बर्बाद नहीं करते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपना बेशकीमती समय को बर्बाद होने से रोकिए, बर्बाद होने से रोकिए। बुढ़ापे में माताओं से निवेदन है कि बुढ़ापे में आपके बहू को आप बेटी की तरह प्यार दीजिए। आपके बेटी को महसूस हो कि मैंने एक माँ को छोड़कर के आके मैं दूसरी माँ के शरण में हूं, मैं दूसरी माँ के शरण में हूं। आज से करीब 2 साल पहले मैं इलाहाबाद से रायपुर आया तो एक जगह रुका था, एक कुकी सेंटर जहाँ केक बनाने सिखाया जाता है। वहां 10 दिन रुका था मैं, 10 दिन रुका था। वहां एक जैन बहन, जैनी है, वो केक बनाने आती थी, 4-व्हीलर गाड़ी से आती थी। करीब करीब 60 लाख रुपए की गाड़ी ही थी उनकी, और इतना उनके पास पैसा की कमी नहीं थी। उनको पूछा गया, क्या आप कुकी सेंटर में आते हैं, केक बनाने सीख रहे हैं, क्या आप कुकी सेंटर केक बनाने का सेंटर खोलेंगे या आपको सिखाएंगे बच्चों को? वो बहन बोलती है, नहीं महाराज जी, मैं कुकी सेंटर नहीं खोलूंगी, केक बनाने नहीं सिखाऊंगी लोगों को, बस मैं टाइम पास करने के लिए आती हूँ। कहा, क्यों टाइम पास करना चाहते हैं, आपके पास ऐसा क्या समस्या है? कहते, मेरे पास एक बहुत बड़ी समस्या, पहाड़ जैसा समस्या आ गई है, वही समस्या को टालने के लिए मैं ये कर रही हूँ। पूछा गया, क्यों? बोलती है, मेरी शादी करीब करीब उनको उम्र 35 साल रही होगी, 35 साल रही होगी। वो बोलती है, जब मेरी शादी हुई तो मेरी 20 साल की अवस्था थी, और 35 साल हो रही है, मैंने 15 साल अपने सासू माँ के साथ रही, और 15 साल सासू माँ के साथ रही। वो सासू माँ का नाम शांति माता। मेरा 15 साल जैसे 15 दिन की तरह कट गए, लेकिन माँ का जाना 15 दिन हुआ है, मुझे 15 साल की तरह पहाड़ की तरह लग रहा है। मेरा हर चीज, मेरा जीवन ही मेरी माँ थी, और माँ अब नहीं रही। आज तक मुझे कड़वे और तीते शब्द नहीं बोले थे, उनके दिल दिमाग में घुस गए वो बातें। कितने माँ है, अपने बहू से कितना प्यार करते हैं आप लोग, आप जानिए। बातें वही होती है, बोलने के तरीका बदलने से टकराहट पैदा हो जाती है, और बोलने के तरीका गलत होने से टकराहट पैदा होती है। और प्यार से बोलते हैं तो वही चीज सलाह का काम करता है। बातें वही है, बात वही थी। जब महाभारत युद्ध होता है, उसका कारण क्या था? राजसूय यज्ञ होने वाला था। राजसूय यज्ञ के दौरान दुर्योधन को द्रौपदी बोलती है, वो जब आगे बढ़ते हैं तो कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं, और कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं तो दुर्योधन को करना चाहिए था, दुर्योधन को बोलना, जब कीचड़ में चला जाता है दुर्योधन, तो द्रौपदी को बोलना चाहिए था कि महाराज आप सावधान होकर के चलिए, प्रेम से बोलना चाहिए था। वो क्या बोलती है? अंधे के अंधे पुत्र, पूरा महाभारत। बातें वही है, बोलना सीखिए। बोलने की कला इतना बेहतरीन कला है, जीवन को बनाता है, और बोलने की कला नरक हो, सही नहीं होने पर जीवन पूरा चौपट हो जाता है। आप क्या चाहते हैं, जीवन को बर्बाद करना? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसे वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होए। ऐसे वाणी को प्रयोग करिए जो अपने खुद बोले तो खुद को अच्छा लगे, औरों को शीतल प्रदान करें। आप यदि जीवन में शांति महसूस करते हैं, शांति को पाना चाहते हैं, इससे दूसरे को फायदा होगा, उससे ज्यादा आपको फायदा होगा। कैसे बताऊं? जब आप बर्फ निकालते हैं एक फ्रिज से, और फ्रिज से बर्फ निकाल करके एक पात्र में रखते हैं, कटोरी या पात्र में रखते हैं, तो पहले वो बर्फ क्या करता है? पहले पात्र को ठंडा करता है, तब आभा मंडल को ठंडा करता है। जब जब आप शीतल होते हैं, जब जब आप शांत होते हैं, तो पहले आपका मनो मस्तिष्क पूरा शीतल हो जाता है, आपके चेहरे में मुस्कान आ जाती है, आपके चेहरे में प्रसन्नता आ जाती है,
तब औरों को प्रकाश देती है। क्या आप चाहते हैं आपके चेहरे में मुस्कान हो? क्या आप चाहते हैं आपकी प्रसन्नता बरकरार रहे? कभी कभी इन शब्दों को चुन करके बोला जाता है जब आपस में माताएं लड़ती हैं। आपस में आप लोग देखे होंगे, कभी देरान और जेठान लड़ती है, कभी सास और बहू लड़ती है, तो ऐसे शब्द चुन करके बोलती है कि वहां कोई पुरुष हो तो पुरुष को दूसरे तरफ नजर करके आगे बढ़ जाना होता होगा। ऐसे शब्द माताएं बोलती है चुन करके, वहां पर कोई पुरुष है तो पुरुष को वहां से हटना पड़ जाता है। ऐसे शब्द माताएं चुन करके बोलती है और कई कई महीना बाद बोलती बंद हो जाती है। क्या जीवन को हम नरक नहीं बनाते हैं? नरक नहीं बनाते हैं? शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे काओ। शब्द संहार करके बोलने की जरूरत है। शब्दों में इतनी शक्ति है, शब्द में इतनी ताकत है कि घर को तोड़ करके बर्बाद कर देता है और टूटते घर को बनाने का प्रयास करता है। शब्द में इतनी शक्ति है कि रोते हुए को हंसाया जा सकता है और हंसते हुए को रुलाया जा सकता है। शब्द में इतनी ताकत है, इसलिए शब्द संहार करके बोलने की जरूरत है। शब्द तो ही एक माध्यम है जो आपस में प्रेम का संचार करता है। शब्द ही एक माध्यम है जो शब्दों के माध्यम से पूरा सर्कस दिखाने वाले बड़े से बड़े जानवर, जिसे शेर कहते हैं, चीता कहते हैं, भालू कहते हैं, बड़े से बड़े जानवर को शब्दों के इशारा से सर्कस दिखाने वाले अपने शब्दों से जानवरों को नचाता है। काश ऐसा ही मन होता कि हम मन को कहे मन चल जाते, इंद्रियों को कहते इंद्रियां आगे बढ़ जाती। जानवर जो अपने अंकुश में नहीं है उन जानवर को भी अंकुश में कर लेता है। बिल्ली और चूहा कभी एक साथ नहीं रह सकता, उन बिल्ली और चूहा को सर्कस दिखाने वाले आपस में एक जगह बिठा देता है। क्यों? शब्द ही तो एक माध्यम है। हम अपने परिवार में प्रेम का माहौल भी खोलें। बच्चे को संस्कार और शिक्षा दीजिए कि बच्चे आपके घर में, आपके परिवार में जब जब आप लड़ते हैं और पति और पत्नी के बीच में, जब जब आप पति और पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ होती है, तब तब बच्चे का जीवन संकट में पड़ता चला जाता है। तब तब बच्चे का जीवन संकटमय हो जाता है। आप क्या चाहते हैं? सुंदर जीवन का निर्माण करिए। आज ये अवसर मिला है, आज अवसर मिला है, हम जीवन को तराश सकते हैं और अपना जीवन का खुद का निर्माण कर सकते हैं। अवसर बार बार नहीं मिलता है। जीवन इतना बेशकीमती है, इसको हम किसी का मूल्य लगाए तो फीका पड़ जाएगा। आप अपने जीवन का मूल्य जानना चाहते हैं ना? ऐसी एक व्यक्ति आया और एक व्यक्ति संत के पास जाकर के पूछता है, मेरे जीवन का मूल्य का है, क्या है? संत कहते हैं, इस बात को छोड़ो, मैं तुमको एक काम दे रहा हूं, वो काम करना, तुमको जीवन का मूल्य पता चल जाएगा। वो संत एक अपने बैठे थे, वहां से एक पत्थर निकालता है और आप लोगों का ध्यान इधर नहीं है शायद, ये किसी कहानी नहीं, एक घटना है। आप अपने जीवन का मूल्य लगा सकते हैं इससे, एक घटना बता रहा हूं, इससे आप अपने जीवन का मूल्य आंक सकते हैं। आप कितने गहरे पानी में हैं, हम कितना अपने जीवन का निर्माण किया है, हमने अपने जीवन को कितना तराशा है, हमने अपने जीवन को कितना ऊंचा उठाया है, इस घटना से आप हम समझ सकते हैं। संत के पास व्यक्ति जाता है, पूछते हैं, मेरे जीवन का मूल्य क्या है? संत कहते हैं, इस बात को छोड़ो, मैं तुमको एक काम दे रहा हूं, वो काम करना, फिर पता चल जाएगा। संत अपने बैठे थे, वहां एक बक्सा से एक पत्थर निकालता है, पत्थर निकाल करके उस व्यक्ति को देता है और कहता है, इस पत्थर को कभी बेचने की गलती मत करना, इस पत्थर का रेट बस पता करते चले जाना। वो संत आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, एक कबाड़ी वाले के पास जाता है, कबाड़ी वाले से पूछता है, भाई साहब, इस पत्थर का क्या रेट लगाएंगे? कबाड़ी वाले कहते हैं, मेरे पास लोहे के रेट में आपके पत्थर अच्छे दिख रहे हैं, इसलिए आपके पत्थर को लोहे के रेट में ले सकता हूँ, 20 रुपये किलो तक। आगे बढ़ता है, एक टमाटर सब्जी बेचने वाले के पास जाता है, सब्जी बेचने वाले कहते हैं, आज मेरे पास टमाटर का रेट ज्यादा है, इसलिए तुम्हारे पत्थर अच्छे और चमकीले हैं, इसलिए तुम्हारे पत्थर को 40 रुपये तक ले सकता हूँ, 20 से 40 हो गया। वो आदमी आगे बढ़ता है, एल्युमिनियम के दुकान में जाता है और एल्युमिनियम के दुकान में एल्युमिनियम वाले कहते हैं, तुम्हारे पत्थर अच्छे और चमकीले दिख रहे हैं, इसलिए तुम्हारे पत्थर को मैं 400 रुपये किलो तक खरीद सकता हूँ, 40 से 400 रुपये तक चला जाता है।
वह आदमी आगे बढ़ता है, पीतल के दुकान में जाता है, वही पत्थर 800 रुपए तक बिकता है। वह आदमी फिर आगे जाता है, एक चांदी के दुकान में जाता है, वही पत्थर 80,000 रुपए किलो तक बिकने को तैयार है। पत्थर वही है, जगह बदलते गए, रेट बदलता जा रहा है। वो आदमी आगे बढ़ता है, वही आदमी आगे बढ़ता है और दुकान में जाते हैं, चांदी के दुकान में, वहां 4 लाख रुपए तक वो पत्थर बिकने को तैयार है। वो आदमी और आगे बढ़ता है, एक हीरे के दुकान में जाता है, वहां वो पत्थर 4 करोड़ रुपए तक बताई जाती है। वो आदमी को पर भी संतोष नहीं होता। एक बड़े से हीरे के व्यापारी, जहां उसका सही रेट बताया जाता है, फिक्स रेट, वहां गया, वहां पूछते हैं तो हीरे के व्यापारी कहते हैं, तुम्हारे पत्थर को कोई ले नहीं सकता, इसका दाम कोई नहीं दे सकता, यहां किसी में हस्ती और ताकत नहीं है, क्योंकि ये साधारण पत्थर नहीं, तुम अपने इलाकों को बेच दो पर भी इस पत्थर का रेट नहीं अदा कर सकते, क्योंकि ये साधारण पत्थर नहीं, ये कि बेशकीमती हीरा है, हीरा है। जो पत्थर 20 रुपए किलो से लेकर के करोड़ों तक बिकता है, ठीक ऐसे ही हमारे जीवन के साथ होता है। जब हम शराबी और जुआड़ी के संग करते हैं तो शराबी और जुआड़ी कहलाते हैं, मास्टर के संग करते हैं तो मास्टर कहलाते हैं, वकील के संग करते हैं तो वकील कहलाते हैं, नेता के संग करते हैं नेता कहलाते हैं, अच्छे आदमी का संग करते हैं अच्छे आदमी कहलाते हैं, ईमानदार आदमी कहलाते हैं, और संग करते करते और अच्छे आदमी का संग कहते हैं तो कहते हैं वो आदमी तो साधु आदमी है। और संग बदलते बदलते जीवन में रंग चढ़ गया, कहीं जीवन में क्रांति आ गई, और क्रांति आ गई और जीवन का आचरण और रहनी और पूरा जीवन का निर्माण हो गया, तो वो संत का वेश धारण कर लेता है, पूरा जीवन का नक्शा बदल जाता है। अब उसका कीमत कौन अदा कर सकता है, उसका कीमत कितना होता है, आप पता लगा सकते हैं? आप अपने जीवन का कीमत कितना लगाते हैं? लड़ करके झगड़ करके आप अपने कीमत को घटाते तो नहीं है, अपने बेशकीमती जीवन को बर्बाद तो नहीं करते हैं? आज अवसर मिला है, इसलिए आप अपने बच्चों को सही संस्कार दीजिए, बच्चों को समय दीजिए, बच्चों को समय दीजिए। बच्चे सिर्फ पैसा कमाने की फैक्ट्री नहीं है, बच्चे सिर्फ पैसा कमाने की फैक्ट्री नहीं है, बच्चे को आप समय दीजिए, समय बैठाइए, कभी प्यार सिखलाइए, जीवन के बातें सिखलाइए। आपके घर में परिवार में चर्चाएं होती होगी कि मकान कैसे बनाना है, गाड़ी कैसे खरीदना है, ऑफिस कैसे जाना है, नौकरी कैसे करना है, ये सारी चर्चाएं होती है, भोजन कैसे बनाना है। क्या आपके घर में ये भी चर्चा होती है कि जीवन को कैसे जीना है? क्या ये भी चर्चा होती है? आप अपने जीवन का पूरे का पूरा समय पैसा कमाने के लिए देते हैं, 6 घंटा सोते हैं, 2 घंटा खाते हैं, 18 घंटा, 20 घंटा, 15 घंटा आप पैसा कमाने के लिए समय देते हैं, क्या आप अपने लिए भी समय निकालते हैं? क्या कभी आप अकेले में बैठते हैं? क्या कभी बच्चों को, परिवार के लोगों को बैठ करके कुछ सदग्रंथ की चर्चा होती है? क्या कभी जीवन निर्माण की चर्चा होती है? तो फिर कैसे बच्चे आपका कहां मान जाएंगे? आप नहीं हो सकता ना, संभव नहीं है ना। कैसे आप माँ बन जाएंगे फिर? कैसे आप पिता बन जाएंगे फिर? जब तक आपके अंदर पितृत्व भाव नहीं आया, जो जितनी बातें कहा आपके अंदर इंक्लूड नहीं हुआ, आपने बच्चों को वो चीज नहीं दिया, आउटगोइंग नहीं किया, बच्चों के लिए बच्चे इंक्लूड नहीं कर पाए उसको, तो कैसे फिर आप माँ पिता बन गए? कैसे आप माँ बन गई? आप अपने जानिए अपने उत्तर को। आपके बच्चे को आपके लिए गर्व होना चाहिए, वो संस्कार दीजिए। जब जब बच्चे आपके चरण स्पर्श करते हैं, तब तब आप बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद दे तो आप हृदय से पवित्र हो, मन से पवित्र हो। आप माता पिता आशीर्वाद दे भी दे रहे हैं, इधर से गुटखा भी खा रहे हैं, इधर से पान भी खा रहे हैं, गलगला जा रहे हैं, रंगे मुंह में थूके दे रहे हैं, बेटा खुश रहो, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। अरे पवित्र भाव से आशीर्वाद दीजिए, बच्चे आपसे क्या सीखेंगे? बुढ़ापा की स्थिति आ जाती है, शरीर को संवारना चाहिए, जीवन को संवारना चाहिए, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गांजा बीड़ी भी नहीं छोड़ पाते हैं, क्या संस्कार देंगे बच्चों को? कैसे आपके बच्चे आपका कहां मान जाएंगे? बहुत तराशना होता है जीवन को, जीवन को आप जितना तराशते हैं उतना आपका कीमत बढ़ता चला जाता है। मैं करीब करीब 2012 में सूरत में था, सूरत में एक हीरे के व्यापारी आया, हीरे के व्यापारी कहते हैं, साहेब इस हीरे लाया, वो कहे इस हीरे कच्चा हीरा है, इस हीरे की कीमत करीब करीब 2 लाख रुपए है, इसी हीरे को तराश दिया जाता है तो वह हीरा करीब करीब 7 से 8 लाख रुपए बन जाता है। आप जब जब अपने जीवन को तराशते हैं आपका कीमत बढ़ता चला जाता है,
आप जितना ही अपने जीवन को तराशते हैं उतना ही माँ बाप के आदरणीय हो जाते हैं, इतना ही पुत्र के आदरणीय हो जाते हैं, उतना ही आपके परिवार वालों के आदरणीय हो जाते हैं। क्या हम नहीं, आप नहीं चाहते आपका जीवन आदरणीय हो? आप नहीं चाहते आपके बच्चे आपका कहा माने? तराशिए जीवन को। एक बच्ची करीब करीब 25 साल की अवस्था रही होगी। 25 साल की अवस्था में उनकी माँ पूछती, उनके पिता पूछते हैं, बेटा तुम्हारी अब मैं सोचता हूँ शादी करने की अवस्था हो रही है, तुम्हारे लिए मैं कैसा वर ढूंढूं? वर ढूंढूं? ये हमारे भारतीय परंपरा का नियम है कि बच्चों की शादी होती है। और छत्तीसगढ़ में यहाँ लड़के वाला लड़की देखने जाते हैं, बाकी अधिकतम प्रदेशों में एमपी चले जाए, यूपी चले जाए, महाराष्ट्र चले जाए, इधर आप पूरा लड़की वाले के यहाँ लड़का आता है, लड़का वाला के यहाँ लड़की जाती है, लड़की वाले जाते हैं, लड़की लड़का वाला के यहाँ लड़की वाली जाते हैं। और वहाँ एक ब्राह्मण परिवार का उनका ही पिता पूछता है अपने बेटी से, बेटी ये बताओ तुमको कैसा वर चाहिए, कैसा दामाद चाहिए? उनकी बेटी बोलती है, उनका पिता पूछता है कैसा वर चाहिए, मास्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, आईपीएस अफसर हो, कैसा चाहिए तुमको तुम बताओ, मैं वैसा वर तुम्हारे लिए ढूंढ करके लाऊंगा। वो बेटी बोलती है, पापा मुझे इंजीनियर, मास्टर, वकील, आईपीएस, आईएएस अफसर, ये सारी चीज हो या ना हो मुझे कोई महत्व नहीं है इसका, बस आप जैसा है वैसा वर ढूंढ दीजिए मेरे लिए, और कुछ नहीं चाहिए। पिता अपने सीने पर हाथ रखता है और गर्व से कहता है, आज मैं वास्तव में पिता कहलाने लायक हूँ। कितने पिता है अपने बच्चे को पूछेंगे, कितनी माँ है अपने अपने बेटे को पूछेंगे और कहेंगे कैसे बहू चाहिए, और आपकी आपके बेटे कहे आप जैसा संस्कारवान बहू चाहिए, आप जैसा ही संस्कारवान, माँ आपका जैसा संस्कार है वैसे संस्कारवान बहू ला दीजिए, मैं अपने लिए बहू लाइए करके। कितनी माँ पूछेंगे अपने बेटे से, क्या आपके पास इतनी योग्यता है कि आपके बच्चे आपको कहे वैसा? आपके पास इतनी योग्यता है आपका पिता आपसे कहे? वो योग्यता पैदा करिए, अपने व्यक्तित्व का निर्माण ऐसे करिए कि आपके चरणों में बच्चे झुकने को प्रेम से मुस्कुरा करके झुक सके। बच्चे आपके चरणों में, जब जब वो आपके चरणों में झुके तो आप उनका सीना चौड़ा हो जाए, गर्व से भर जाए। जब जब वो इस दुनिया से बाहर जाए, इस गांव से बाहर जाए, कहीं भी जाए तो आपका नाम लेने से उनका चेहरे में मुस्कान आ जाए कि एक ऐसे माँ बाप के कोख से जन्म लिया जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखलाया, संपत्ति तो दिया साथ साथ पूरे जीवन का पाठ सिखलाया, मुझे जीने की शिक्षा दी और मुझे मेरा जीवन का निर्माण कर दिया। कितने माँ बाप है अपने बच्चे को संस्कार दिए, कितने माँ बाप है। इसलिए मैं बच्चे को आप गाड़ी दीजिए, मोबाइल दीजिए, कार दीजिए, दिया ना दीजिए कोई बात नहीं, बच्चे को कार नहीं देते हैं चार दिन रोएंगे बच्चे, और बच्चे को आप संस्कार नहीं देते हैं बच्चे जीवन भर रोएंगे और आपको भी रुलाएंगे, आपको भी रुलाएंगे। इसलिए परिवार में आपस का प्रेम, इसलिए भाई भाई में, जिस घर में भाई भाई में आपस में, सास बहू में, देरान जेठान में एक साथ भाई भाई गले मिलते हो, मानो एक साथ गले मिलते हो, दोपहर का भोजन एक साथ करते हो, मानो उस घर में रोज होली का त्यौहार है। और जिस घर में रात्रि में सभी ऑफिस से, ड्यूटी से, खेत से, खलिहान से आने के बाद में सभी के सभी एक साथ एक दीप प्रज्वलित कर लिया जाता हो और बड़ों का चरण स्पर्श कर लिया जाता हो, माता पिता की आरती उतार लिया जाता हो, मानो उस घर में रोज दीपावली का त्यौहार है, रोज दीपावली का त्यौहार है। आप साल में एक बार मनाते हैं ना, मैं रोज मनाने कहता हूं, रोज मनाइए। इतना सुंदर जीवन मिला है, इतना सुंदर शरीर मिला है, इतना सुंदर विचार मिला है, जहां भ्रांतियां नहीं, जहां कर्मकांड नहीं, जहां पाखंड नहीं। सही ज्ञान का अर्थ है जिसमें कर्मकांड और पाखंड मत हो, यही सही ज्ञान है। सही ज्ञान का परिभाषा इतना ही है बस, जिसमें कर्मकांड ना हो, जिसमें पाखंड मत हो। सही ज्ञान की परिभाषा इतना ही है। कर्म कांड और पाखंड से मन में शांति नहीं मिल सकती है। शरीर को कुछ देर तक सताया जा सकता है, पीड़ा दिया जा सकता है, एक जगह बांधने के लिए एक सीढ़ी है, लेकिन अंततः मूल अंत नहीं है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने जीवन का खुद का निर्माण करिए, खुद को जीवन को तराशते जाइए, सुंदर जीवन, सुंदर व्यवहार, आपस में सास बहू में आपस में ऐसा प्रेम हो, आपस में ऐसा व्यवहार हो कि वास्तव में लगे कि हम अपने जीवन को एक नए ओर ले जा रहे हैं, एक नए दिशा की ओर ले जा रहे हैं। एक घटना और बताऊं फिर अपनी बात समाप्त करूं। सास और बहू आपस में रहते थे, सास बहू
इस सास की सासु माँ की स्थिति करीब करीब उनका उम्र लगभग लगभग 80 वर्ष की अवस्था रही होगी। 80 वर्ष की अवस्था में बहुत से लोगों का शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उतना उनका शरीर इतना जीर्ण शीर्ण हो गया था जैसे कलाई को जोर से पकड़ा जाए तो उनकी कलाई से चमड़ी छिल सकती थी, इतना कमजोर सा शरीर हो गया था। बेटी उनको बड़े प्यार से नहला रही थी। उधर से एक संत गुजरते हैं और संत गुजरते हुए पूछे, बेटी क्या तुम्हारी माँ है बड़े प्यार से नहला रही हो? और बेटी बोलती है, नहीं महाराज जी मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ से बढ़कर के रिश्ता है। पुनः पूछते हैं, माँ से बढ़कर के रिश्ता क्या हो सकता है? हो सकता है इनकी सासू माँ हो। पुनः पूछते हैं, बेटी क्या तुम्हारी सासू माँ है बड़े प्यार से नहला रही हो? वो बेटी बोलती है, नहीं महाराज जी मेरी माँ नहीं, उससे बढ़कर के रिश्ता है। वो आदमी को रहा नहीं गया, उस संत को रहा नहीं गया, कहते हैं माँ और सासू माँ से बढ़कर के रिश्ता हो ही क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? वो रहा नहीं गया, पूछते हैं, आखिर तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी सासू माँ नहीं है तो कौन? वो बेटी बोल सकती थी एक शब्दों में, मेरी सासू माँ है, लेकिन अपने शब्दों को अपने वेदनाओं को प्रकट करने के लिए वो क्या बोलती है, महाराज जी यो माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है। महाराज जी ओ माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है, जिसके बदौलत आज मेरे माथे पे बिंदिया है, जिसके बदौलत आज मैं इस घर में टिकी हुई हूँ, ओ माँ है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है। क्या इतना प्रेम होने से कोई सासू माँ के साथ लड़ाई करेगी? इसलिए ये दोनों पक्ष से होता है, सासू माँ और बहू आपस में दोनों शब्दों में संयम, तब बच्चे को आप संस्कार दे पाएंगे, तब बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। भ्रम और मान्यताएं में मत पढ़े, भ्रम और मान्यता से जीवन में कुछ नहीं मिल सकता है। जीवन का निर्माण सही ओर ले जाना है, आपको खुद को समय देना होगा अपने लिए और अपने जीवन को खुद को तराशना होगा। आपके जीवन को बनाने के लिए ना बुद्ध आएंगे, ना कबीर आएंगे, ना ईसा आएंगे, ना मोहम्मद आएंगे, ना राम आएंगे, ना कृष्ण आएंगे, ना ही यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे, ना ही आपके भूपेश बघेल आएंगे। आपको खुद अपने जीवन को तराशना होगा, खुद अपने जीवन का निर्माण करना होगा। इसलिए सुंदर जीवन का निर्माण करिए तो निश्चित ही आपके बच्चे अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग बड़े ही धैर्य से शांति से मेरी बातें को सुने, इसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। मेरी बातों में किस्सा और कहानी तो नहीं है, टाइम तो पूरा हो गया है, लेकिन कहा गया है इसलिए थोड़ी सी बातें और। हमारे जीवन में जीवन का निर्माण दो तरह से शुरुआत होती है। सबसे प्रथम है खाना, जैसे खाए जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी कहावत है। जो हम खाते पीते हैं उसके हिसाब से हमारी वाणी बर्ताव होता है। एक आदमी शराब पीता है तो शराब पीने के बाद में उसकी बोलती बिगड़ जाती है, बोलने में संयम नहीं रहता है। इसलिए खाने पीने में संयम। यहाँ बैठे बहुत से लोग कबीरपंथी परिवार है और बहुत से लोग राधा स्वामी वाले होंगे, बहुत से वाले गायत्री वाले होंगे, लेकिन आज हमारे भारत देश में गुरुओं की कमी नहीं है। और इस भारत देश में गुरुओं की कमी नहीं है, कहते हैं जो खाओ जो पियो सब चलेगा, ऐसे गुरु को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे गुरुओं से आप लोग बच करके रहिएगा। जो खाओ जो पियो सब चलेगा, बस मेरे से दीक्षा और कंठी माला ले लो सब चलेगा। हमारे कबीर पंथ में दीक्षा और कंठी माला कहा जाता है, अन्य परंपरा में दूसरे शब्दों में कहा जाता है। ऐसे गुरुओं से बच करके रहिए। दीक्षा और कंठी बस से कुछ नहीं हो सकता। एक चीज याद है तो मैं कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से दीक्षा लेने से, इस गुरु से जुड़ने से मुक्ति मिलती है, इस गुरु से जुड़ने से ही मुक्ति मिल सकती है, अन्य गुरु से नहीं। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इस बात को सत्य बात है कह देता हूँ। मुक्ति कोई पदार्थ नहीं है, मुक्ति कोई वस्तु नहीं है, मुक्ति कोई सामान नहीं, कोई बांटता चला जाए, लेकिन गुरु लोग बांट रहे हैं। ये धर्म धार्मिक लोग हैं, ये लोग धर्म के नाम पर अन्याय नहीं है, अत्याचार नहीं है, लोगों का शोषण नहीं है,
जो मुक्ति मुक्ति जैसे आत्मा स्थिति को कोई आदमी बांटता चला जाए। तुम जैसे चाहो जैसे खाओ जैसे पियो जैसे बोलो, बस मेरे से कंठी ले लो, मेरे से दीक्षा ले लो, मेरे से मंत्र ले लो, तुम्हारी मुक्ति धरी धराए। इतना झूठ बातें धर्म पर चलता है, ऐसे लोगों से बच करके रहिए। मुक्ति कोई पदार्थ नहीं है, मुक्ति मन की अवस्था है। जब आपका मन निर्मल हो जाता है तब आपकी मुक्ति होती है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जाको मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। मुक्ति क्या है? मन की अवस्था है। सद्गुरु कबीर साहब जिस समय हुए उस समय गंगा जी की प्रसिद्धि रही है, और उस समय गंगा जी की पानी बहुत साफ और पवित्र था। लेकिन आज गंगा जी की पानी बहुत गंदा हो चुका है। आप हरिद्वार में जाएंगे एक सिक्का फेंकेंगे, आज भी वहां सिक्का दिखाई देता है। लेकिन हमारे सभी संत करीब करीब, मैं 15 साल इलाहाबाद में रहा और इलाहाबाद में मैं देखा, आज तक मैं गंगा के पानी से पैर भी नहीं धोया हूं मैं। क्यों? इसका कारण भी बता देता हूं। गंगा जी में पानी जब कानपुर से होकर के आता है तो कानपुर के जितने चमड़ा मिल का पानी है पूरे गंगा में प्रवेश करती है, और पूरे गंगा में इलाहाबाद प्रयागराज का पूरे सीवर लाइन का पानी गंगा जी में प्रवेश किया जाता है। कैसे पानी को पवित्र मान लेंगे? भाव पवित्र होना चाहिए। मैं अपनी बात पर आऊं, इसलिए मुक्ति मन की अवस्था है। किसी गुरु से जुड़े या न जुड़े अलग चीज है। गुरु से जुड़ने से एक सहारा मिलता है, एक मार्ग मिलता है। रही बात खाना पीना, आपके घर में परिवार में कबीरपंथी परिवार है, आपके घर में सभ्यताएं होनी चाहिए। आप खुद सभ्य नहीं होंगे, आपके खुद आचरण में थोड़ा हल्कापन रहेगा, आचरण में लचीलापन रहेगा। आप अपने बच्चों को कैसे कहेंगे कि बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, तंबाकू मत खाओ, गुटखा मत खाओ, जर्दा मत खाओ? आप कैसे कहेंगे? खान पान में पवित्रता। इस पूरे गांव में, पेंडरी गांव में ऐसा एक कोई बिरला घर होगा, एक दो घर, जिस घर से कहा जाएगा कि इस घर के किसी भी सदस्य में गुटखा, शराब, बीड़ी, अंडा, मांस, मछली नहीं है। पूरे गांव में कोई दो चार घर मिल जाए, वो धन्य के भागी हो, घर धन्य के भागी, बाकी सब चौपट हो गया है। आप लोगों को नहीं लगता है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को चौपट करते चले जा रहे हैं? बच्चों को चाहिए, बच्चों को नहीं लगता है? माँ बाप ने वो संस्कार कमाया था, माँ बाप ने एक ऐसे धर्म की ओर आगे बढ़ा था, उन धर्म को हम चौपट करते चले जा रहे हैं। इससे आपका ही नुकसान नहीं। आज यदि आप बीड़ी और सिगरेट तक हैं, आने वाली पीढ़ी आपके बच्चे बीड़ी और सिगरेट तक नहीं, शराब पर शराब पियेंगे और शराब पी करके आएंगे, और आपके ही सामने अपना जूता उतार के आपके कपार पर देंगे तो लगेगा, कपार मतलब सिर पर लगाएंगे तो लगेगा, मैंने बच्चे को जो संस्कार देना चाहिए था शायद नहीं दे पाया, मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया। आप जिम्मेदार हैं। माता पिता से निवेदन है, यहाँ बुजुर्गों से निवेदन है, बच्चे किसके साथ रहते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं? आजकल लोगों को बीड़ी और सिगरेट पीना लोगों को कहना चाहिए फैशन हो चुका है। फैशन की आबो हवा ऐसी बदलती चली जा रही है। और बहनों से भी निवेदन है, हिंदी भारतीय परंपरा, हिंदू सभ्यता को बरकरार रखिए, भारतीय परंपरा को काबू में रखिए। आपका पहनना ओढ़ना, आपका लैंग्वेज, मैं चीज कहता हूं तो याद आता है, आप जब बोलते हैं तब बोलते ही हैं, लेकिन आप जब मौन रहते हैं तब भी बोलते हैं। आप जब बोलते हैं तब बोलते हैं, लेकिन आप जब मौन रहते हैं तब भी बोलते हैं। आपका हेयर कटिंग बोलता है, आपका कपड़ा पहनना बोलता है, आपका मकान का डिजाइन बोलता है, आपका मोबाइल बोलता है, हर चीज बोलता है ना। आपका डाइनिंग रूम बोलता है, आपका घर बोलता है। आपके घर में कोई प्रवेश करते हैं, घर में एकदम अभद्रता से गंदा पड़ा है, मैला कुचला है, मक्खी बिन बिना रही है, तो लोग आते हैं कहते हैं इनके घर के लोगों को सभ्यता पसंद नहीं है, इनके घर के लोगों को सफाई पसंद नहीं है। क्या बोल रहा है? आप नहीं बोल रहे हैं, आपका घर बोल रहा है। आपका हेयर कटिंग लोग देखते हैं, ये लोग इसको साधारण पसंद नहीं है, इनको एक्टिंग करना पसंद है। हेयर कटिंग देखो कैसे बाल रखी है, आपका हेयर कटिंग बोलता है। आपका कपड़ा बोलता है। आप जब गलत कपड़े पहन करके प्रवेश होते हैं, समाज में आते हैं, तो आपको ही नहीं आपके माँ बाप को भी लोग गाली देते हैं। इनके माँ बाप को इतना शिक्षा नहीं है, अपने बच्चे को कैसे कपड़ा पहनाना चाहिए तमीज नहीं है। आप जब भुक्का खा करके पीछ थूकते हैं, आपके अपने शरीर के एनर्जी को लाश करते हैं, तब आपका शरीर बोलता है, आपका भुक्का खाना बोलता है। इसलिए खाने पीने में बहुत सावधान। आप ऐसी चीज मत खाइए जिससे मन गंदा हो, जिससे तन गंदा हो, जिससे परिवार में असभ्यता फैले, जिसमें समाज में एक द्रावक स्थिति आए, ऐसे चीजों को मत खाइए। आप वो चीज खाइए। आज आप जिस तंबाकू को, जिस बीड़ी और सिगरेट को लेते हैं, 4000 रुपए किलो में मिलता है, वही काजू और किशमिश लेते हैं 800-900 रुपया में मिलता है।
दूध के दुकानें सब बाहर रोड रोड पर मिलता है, लेकिन दूध के दुकाने में कोई नहीं जाते हैं, लेकिन शराब के दुकान कोई कोने पर भी क्यों ना हो वहां शराब के दुकान में भीड़ लग जाती है। ये हमारे सरकार तो घर 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 शराब बांट रही थी, मुझे किसी से विरोध नहीं लेकिन सत्य बात है, घर घर शराब बांट रही थी, ऐसे हमारे सरकार भी थे बीच में। क्या मतलब है ऐसा? आप अपने परिवार और संस्कार को बचाए रखिए। हमारा जब चुनाव हुआ उस समय कहा गया था कि शराब बंद करेंगे, पूरा 5 वर्ष निकलने वाला है, शराब बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि उसी से कमाई है सरकार को। आप क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं? आप पैसा भी देते हैं, शक्ति और समय भी देते हैं, और अपना शरीर भी बर्बाद करते हैं, और शरीर ही नहीं आप अपने पूरा जीवन को चौपट करते हैं। इसमें सिर्फ भाइयों का दोष नहीं है, यहाँ बैठे माताओं का दोष है, माताओं का दोष है ज्यादा, जो अपने बच्चे को अपने अंकुश में नहीं कर पाए, अपने पति को अपने अंकुश में नहीं कर पाए। आपके पास इतना गर्व होना चाहिए, आपका व्यक्तित्व का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि आपका एक शब्द बोलना भारी होना चाहिए। आप अपने बच्चे को एक शब्द कहे तो आपके बच्चे उसको एक्सेप्ट करे, आपके बच्चे उस बात को माने। आप इतना वजनदार बोलिए, कम बोलिए और कम शब्दों में बोलिए, आप बड़बड़ बड़बड़ करेंगे, आपका बात फीकी पड़ जाएगी, आपका बात में वजन नहीं रहेगा, आपके बात में गर्व नहीं, गर्व महसूस नहीं होगा। इसलिए कम बोलिए लेकिन गर्व भरे बातें बोलिए, कम बोलिए लेकिन वजनदार बातें बोलिए। आपके इशारे पर आपके बच्चे चलना चाहिए, सही दिशा की ओर ले जाइए। बच्चे गलत खान पान में रहते हैं, गलत संग में रहते हैं, उन माहौल से बचाइए बच्चों को, पूरा चौपट होता चला जाएगा। क्या संस्कार क्या सभ्यता ये नहीं जान पाएंगे? एक एक आदमी आज जीवन को हम कितना, आप अपने जीवन को कितना बेशकीमती समझते हैं, जीवन को कितना मूल्य समझते हैं। यदि हमारे नाखून में एक छोटा सा कील चुभ जाता है, हमारे पैरों में एक छोटा सा कांटा चुभ जाता है, कितना दर्द और चुभन होती है। क्या आपको नहीं लगता है कि एक निर्जीव हत्या, एक निर्वीह प्राणी को हत्या किया जाता है, आप उसको एक मांसाहारी जानवर की तरह खाते हैं? ये जानवर का काम है मांस खाना। मैं क्षमा चाहता हूं, कड़वा वचन नहीं बोलना चाहता था, लेकिन सत्य बात है। जो मांसाहारी जानवर होते हैं उसका दांत नुकीला होता है, प्रकृति की देन है, ये प्रकृति का देन है। जो मांसाहारी जानवर होता है उसका दांत नुकीला होता है, उसका नाखून नुकीला होता है, और शाकाहारी का दांत और नाखून नुकीला नहीं होता है। आप शाकाहारी है लेकिन आदमी देखिए प्रकृति द्वारा निर्धारित है, गाय को भूख लगी हो गाय को मांस दिया जाए, लेकिन गाय मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी, गाय मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी। शेर को भूख लगा हो उसके सामने हरा हरा घास डाला जाए, शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, खाएगा तो मांस ही खाएगा, और जानवर गाय खाएगी तो घास ही खाएगी, मांस नहीं खाएगी। और आदमी कैसा जानवर है, सब कुछ हजम कर जाता है, सब कुछ हजम कर जाता है। जीवन का निर्माण करिए। आज अवसर मिला है, आज अवसर मिला है, परिवार के साथ मुस्कुरा करके जी लीजिए। आज अवसर मिला है, माँ बाप की सेवा कर लीजिए। आज अवसर मिला है, अपने जीवन को तराश लीजिए। कब तक गाल फुलाए पूरे छोटी सी नन्नी सी प्यारी सी मुन्नी सी जिंदगी में कितने लोगों के साथ वैर बढ़ा करके हम जीवन में दरारें पैदा करते चले जाएंगे? क्या मिलेगा इससे? कब मौत आ जाए कौन जानता है, किसी भी समय मौत आ सकती है, किसी भी समय हम इस दुनिया से अलविदा हो सकते हैं। लोग सोचते हैं मौत की बात नहीं कहा जाए, जन्म समय जन्म ही मृत्यु का कारण है, जन्म ही मृत्यु का कारण है। जन्म सफल उसका है जो कम जिए लेकिन अच्छा जिए, कम बोले लेकिन अच्छा बोले, उतना ही सार्थकता है। कोई आदमी 90 साल जीता है और 90 साल जी जी करके आपस में द्वेष भरी जिंदगी जीता है, उससे तो अच्छा जीवन है। जो 30 साल जीता है प्रेम से मुस्कुरा करके लोगों को आनंद दे करके चला जाता है, वो अच्छी जीवन है ना। 90 साल जीना बेकार है, 90 साल आप जिए, 100 साल आप जिए, लेकिन आपका जीना लोगों के लिए वरदान का रूप हो। लेकिन क्या हम वैसे हो पाते हैं? समाज के लिए हम बिगड़ी घड़ी ना बने। बिगड़ी घड़ी भी 24 घंटा में दो बार एकदम राइट टाइम बताती है, बिगड़ी घड़ी भी। और मनुष्य एक ऐसा आदमी है जो कि इस जीवन में, इस मनुष्यतन मिलने के बाद में सुंदर समाज का निर्माण करना चाहिए, सुंदर जीवन का निर्माण करना चाहिए, तो जीवन को बर्बाद कर लेता है। एक आदमी को एक पेंट मिला और एक ब्रश मिला,
और उसको चित्र बनाने कहा जाए और वो चित्र बनाने नहीं आता है तो आदमी क्या करेगा, उस पेंट से और ब्रश से ऐसा चित्र खींचेगा और इतना बिगाड़ डालेगा उस चित्र को कि उसको कोई दूसरा पेंटर आएगा तब भी नहीं बना पाएगा। ठीक वैसे ही हम जीवन में अगर सही गुरु नहीं मिलता है, सही मार्गदर्शक नहीं मिलता है तो हम जीवन को इस बेकदर बिगाड़ डालते हैं कि बनाने वाला भी हमारे जीवन को बनाने में बहुत सोचना पड़ता है। अब इसके जीवन को कैसे बनाऊं, अब हम खुद अपने जीवन को ऊपर उठाना चाहते हैं लेकिन शराब की लत लग गई, गुटखा की लत लग गई, बीड़ी का, सिगरेट का, तंबाकू का, अंडा का, मांस का, मछली का लत लग गया, अब हम उठना चाहते हैं ऊपर लेकिन उठ नहीं पाते हैं। साहस करिए, हिम्मत रखिए, आप ही लोग योद्धा है। आप सभी के पास योग्यता है कि आप अपने जीवन को तराश सकते हैं। आप सभी के पास वो योग्यता है कि आपके परिवार में स्वर्ग का माहौल बना सकते हैं और सुंदर जीवन का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों के लिए यही शुभकामनाएं हैं कि जो कुछ आप करेंगे आपके परिवार में वो बच्चे सीखता चला जाएगा। बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है। आप जो जैसा जीवन चाहते हैं, एक चीज कहना चाह, आप जो जीवन में जो दूसरों के साथ बोते हैं वो अपने जीवन में काटते हैं। जो आप जीवन में दूसरों के साथ बोते हैं वो अपने जीवन में काटते हैं। दूसरों के साथ प्रेम बोते हैं अपने जीवन में प्रेम का फसल काटते हैं। दूसरे के साथ धैर्य का बर्ताव करते हैं अपने जीवन में धैर्य का फसल काटते हैं। दूसरों के साथ सम्मान का बीज बोते हैं अपने जीवन में सम्मान का फसल काटते हैं। आप क्या काटना चाहते हैं वही दूसरों के साथ बोना शुरू करिए। दूसरे के साथ घृणा करते हैं मतलब हम अपने साथ घृणा काटना चाहते हैं ना, यही तो है ना, ये होता है और हो रहा है। आप जब गलत करते हैं तो आप दूसरों के साथ गलत करते हैं मतलब हम खुद के साथ गलत करते हैं। खुद के साथ अपने जीवन के साथ गलत मत करें। हम जब कहते हैं कि हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को देखा धोखा नहीं देते हैं, खुद को धोखा देते हैं। इसलिए सुंदर जीवन का निर्माण, बच्ची के साथ प्रेम का बर्ताव, आपस में सास और बहू में जितना ही यामिनी बहन से निवेदन है कि अपनी सासू माँ के साथ ऐसा बर्ताव करें कि आपके बेटे को लगे कि सासू माँ और बहू नहीं है, माँ और दादी वास्तव में माँ और बेटी है, उनको ऐसा जीवन लगे। और सिर्फ यामिनी बहन के लिए नहीं, यहाँ जितने बैठे सभी बहनों के लिए निवेदन है कि आप अपने जीवन का सुंदर बनाइए। आप अपने बुढ़ापे में ये चीज चाहते हैं तो इसलिए आप सभी लोगों से करीब करीब काफी देर से, डेढ़ घंटा से मैं बोल रहा हूँ और आप लोग धैर्य से सुने, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।